हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर एंड आई हार्टली वेलकम यू आर ऑन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ सिक्स क्लास। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ द नंबर एंड व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर्स। हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है, सीखा है कि संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। सो इसमें फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में हमने सीखा था कि किस प्रकार जो नंबर्स है उनका यूज स्टार्ट हुआ था। जो नंबर्स है अपने उसमें जो है यानी मिलियन वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, जैसे जो व्यक्ति है जंगलों में रहता था उस समय उसे जो है जो अंकों की इतनी आवश्यकता नहीं थी, तो उसने धीरे धीरे जैसे जैसे वो एक जगह रुककर रहने लगा तो उसे कुछ जो है काउंट करने की आवश्यकता हुई। तो काउंट करने की आवश्यकता हुई तो उसने फिर जो प्रतीक चिन्हों द्वारा, जैसे बुक्स में दिया हुआ अपने पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि प्रतीकों द्वारा उसने जो काउंटिंग है यानी गिनती है वो लिखना शुरू किया था। जैसे फर्स्ट जो लाइन है वो वन को रिप्रेजेंट करती है, टू लाइन है वो टू को रिप्रेजेंट करती थी, थ्री लाइन्स यानी तीन को रिप्रेजेंट करती। इसी तरह डॉट डॉट से भी उसने जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा जो है। इसी तरह आगे भी बहुत सारे ऐसे सिंबल्स का उसने उपयोग किया और फिर धीरे धीरे जाकर उसने जो है कुछ लगभग 10 जो है 10 मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल्स यानी 10 जो महत्वपूर्ण है वो अंकों का उसने प्रयोग शुरू किया, जिसमें जो हम आज यूज में लेते हैं 1 to 9 तक डिजिट और उसमें जो 0 है वो भी उसमें सम्मिलित होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0। इन अंकों का जो विकास किया उसने और फिर इन अंकों को जो काउंटिंग में जो यूज करने वाले अंक है उनको, नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और मैंने आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन HW होमवर्क में भी करने के लिए दी थी। तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन थी, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर 1, 2, 3 आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर इज डेनोटेड बाय कैपिटल N एंड कैन बी रिटन एज कैपिटल N 1, 2, 3। जो गिनने योग्य संख्याएं होती है यानी गिनती की संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स में प्राकृत संख्या, और इसे कैपिटल N द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये हमने अपने पिछले जो वीडियो है प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है और HW में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है वो HW जो नोटबुक है अपनी डायरी उसमें नोट करने के लिए आपको बोला था। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था, नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ नंबर बाय गिवन डिजिट यानी कि संख्याएं बनाना, दिए गए अंकों द्वारा संख्याएं बनाना, ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में HW में दिया था कि किस प्रकार जो नंबर्स दिए हैं उनको सही क्रम से, जिस प्रकार फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड में जो नंबर्स बने हुए हैं उसी प्रकार पार्ट फोर्थ में हमने नंबर्स बनाए हैं, उसी प्रकार पार्ट फिफ्थ एंड सिक्स में मैंने आपको HW के लिए फिल करने के लिए दिया था। और ये भी बताया गया है आपको कि इसमें वन नंबर लगा के फर्स्ट क्वेश्चन लगा कर ये टेबल्स बनानी थी अपने, और जो भी टेबल्स बनाते हैं वो पेंसिल के द्वारा बनानी है अपनी नोटबुक्स में। तो हमने ये HW में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को हमें करना था फॉर्मेशन यानी नंबर्स बनाने थे हमें, जो नंबर्स बना डिजिट दिए हुए हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बने हुए नंबर्स उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर्स बनाने थे। तो आप फर्स्ट नंबर्स देखोगे कि 1, 2, 3, 4 यानी एक ही क्रम से 1, 2, 3, 4, सो फर्स्ट जो नंबर्स बनेंगे अपने इसमें जो नंबर है फर्स्ट 8, सेकंड नंबर 9, सेकंड डिजिट थर्ड डिजिट 1 एंड फोर्थ डिजिट 2। अब आप फर्स्ट नंबर्स को देख के हम सेकंड नंबर्स यहाँ पे जो है राइट कर सकते हैं, तो 2 आ रहा है, 2 इसमें सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर इसमें 9 है, तो यहाँ 9 राइट करेंगे। नेक्स्ट है 3, तो 3 इसमें जो अगला अंक है थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर इसमें 1 है तो 1 राइट करेंगे। इसी प्रकार 4 आ रहा है, 4 इसमें 4 आ रहा है, 4 इसमें फोर्थ नंबर, इसमें फोर्थ नंबर 2 है वो लिखेंगे। एंड 1 जो है वो फर्स्ट पे आ रहा है तो इसमें फर्स्ट पे 8 आ रहा है, तो इस प्रकार हम सेकंड नंबर भी इसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, तो यहाँ 4 आ रहा है तो 4 यहाँ पे जो है फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ नंबर पे यहाँ पे 2 है तो 2 राइट करेंगे। नेक्स्ट अपने जो नंबर्स था अपने
वारा वन वन यहाँ फर्स्ट पे था तो फर्स्ट पे यहाँ एट है तो एट यहाँ राइट करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट लाइक दिस, जो नेक्स्ट है अपने टू, तो टू इसमें जो सेकंड नंबर पे नाइन है तो नाइन राइट करेंगे। नेक्स्ट है थ्री, थ्री इसमें थर्ड नंबर पे वन है तो वन राइट करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है फोर्थ नंबर है, चौथा अंक संख्या है अपने तो फोर है, फोर है लास्ट डिजिट है इसमें तो फोर्थ राइट करेंगे। इसमें तो फोर्थ इसमें डिजिट है अपने जो है टू, तो टू राइट करेंगे। टू के बाद इसके अंदर जो अगला अंक है अपना सेकंड पे आ रहा है टू, तो टू इसमें सेकंड डिजिट है नाइन, तो नाइन राइट करेंगे। फिर फर्स्ट डिजिट फर्स्ट एट है इसमें एंड लास्ट इसमें जो है जो अंक आ रहा है वो अपने आएगा वन। तो जो नंबर्स अपने पास जो बने हैं वो संख्या इस प्रकार होगी 8912, 9128 एंड 2891 एंड 2981। इसी तरह नेक्स्ट है सिक्स नंबर, जो सिक्स है अपने कॉलम वो भी फिल करना है आपको, नंबर्स लिखने हैं तो अरेंज करें फर्स्ट तो क्रम से थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। नेक्स्ट नंबर है अपना, तो नेक्स्ट नंबर में फर्स्ट इसमें देखेंगे सेकंड जो है सेकंड डिजिट इसमें फोर्थ है, फिर फर्स्ट इसमें फाइव है, फिर टू, टू की जगह सिक्स आ गया, फिर एट, एट इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर राइट करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट थर्ड नंबर जो बनाना टू है इसमें, तो टू फोर्थ नंबर है, सिक्स एट इसमें फर्स्ट नंबर पे तो फर्स्ट नंबर पे थ्री है, नाइन सेकंड नंबर पे तो फोर है सेकंड नंबर पे, और वन है जो थर्ड नंबर पे है इसमें थर्ड नंबर पर फाइव राइट करेंगे। तो नेक्स्ट है नंबर टू, टू इसमें फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर पे सिक्स है एंड नेक्स्ट नाइन, नाइन इसमें सेकंड नंबर पे फोर है, और एट जो है फर्स्ट नंबर पे थ्री एंड वन, वन है थर्ड नंबर पे तो इसमें थर्ड नंबर पे है फाइव। इस प्रकार जो है हमें ये नंबर्स बनाने थे, तो नंबर्स इस प्रकार फिल करने थे आपको जो टेबल्स है अपनी उसमें। सो नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फिल करना है आपको टेबल से। तो फॉर्मिंग फाइव डिजिट नंबर, फॉर्मिंग यानी बनाने हैं फाइव डिजिट नंबर यानी पांच अंकों की संख्या, यूजिंग यानी उपयोग करते हैं डिजिट यानी अंकों का सिक्स टू एट एंड फोर। सो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी रिपीटेशन यानी उसका जो अंक दिए हैं उनका दोहरान भी कर सकते हैं, यानी एक डिजिट को दो बार भी उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन फाइव डिजिट नंबर होना चाहिए, पांच अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो फाइव डिजिट नंबर लिखना है अपने को, तो इसमें जैसे इसमें वर्ड्स में लिखा है इन वर्ड्स लिखना है, तो यहाँ पर आप फाइव डिजिट नंबर जो है डिजिट में लिखेंगे, अंकों में लिखेंगे, और फिर इसमें वर्ड्स में लिखना है अपने को। तो कोई भी जो अंक है इनसे बनने वाला वो हम लिख सकते हैं, तो हम नंबर से लिखते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर्स। सो सिक्स टू फोर फोर एट, फाइव डिजिट नंबर है और जो है अपने नंबर्स तीनों आने चाहिए, सिक्स भी आना चाहिए, टू भी आना चाहिए, एट भी आना चाहिए और फोर भी इसमें आना चाहिए। तो अब इसको हमें जो है वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स में लिखने के लिए एज यू नो जो नंबर्स है हम काउंट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल वंस वंस, सेकेंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल टेंस एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल हंड्रेड एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल थाउजेंड एंड फिफ्थ डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल 10,000। सो 62,448। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 62,400, फोर हंड्रेड फोर्टी एट। नेक्स्ट अपने जो ये टेबल्स है आपको ये भी टू नंबर्स लगा के एच डब्ल्यू में होमवर्क में आपको करना है, तो एच डब्ल्यू लगा के इसको होमवर्क में करना है। और भी आगे है ये, यहाँ से स्टार्ट होगी, तो सेकंड मैं नंबर्स लिखता हूँ, कुछ आगे जो टेबल्स है वो यहाँ तक आपको कंप्लीट करनी है, कुछ नंबर्स और बनाने आपको। तो नंबर्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ, तो नंबर्स बनाने के बाद में इसको आपको जो है फिल करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो नंबर्स में लिख रहा हूँ आपके, तो नंबर्स है एट फोर
6 6 2 एंड 8 8 4 6 2 एंड 6 8 4 2 2 जो रिपीटेशन। सो ये नंबर्स मैंने लिखे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें इनमें जो है वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो सेकंड एक और बता रहा हूँ, और पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ आपके लिए होगा, वो आपको घर पर एच डब्ल्यू में करना है। तो इसको राइट करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड, तो 600 का है 1000 एंड 10000, सो 1000 एंड 10000, सो 84000। सो राइट हियर इनवर्स 84000 सिक्स इज 100 प्लस डिजिट, सो राइट 600 662 62 डॉट। इसी लाइक दिस, इसी प्रकार हमें जो नेक्स्ट है नंबर्स फिफ्थ एंड सिक्स वो हमें फिल करना है वर्ड्स में जो नंबर्स को रीड करके। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। कंपैरिजन मींस होता है तुलना करना, सो कंपैरिजन मींस तुलना करना होता है, यानी संख्याओं की तुलना करना। तो संख्याओं की तुलना करना जो अपना पॉइंट है, तो किस प्रकार हम जो नंबर्स के हैं जो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, वो देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है आपके, फाइंडिंग लार्जर और स्मॉलर नंबर आउट ऑफ टू गिवन नंबर्स इज कॉल्ड द कंपेरिजन ऑफ द गिवन नंबर। जो है इसमें यानी कि तुलना करना अपने को, फाइंडिंग मीन्स यानी ज्ञात करने के, लार्जर यानी बड़ी संख्याओं के लिए, स्मॉलर यानी छोटी के लिए आया है, नंबर्स यानी संख्या, आउट ऑफ टू गिवन नंबर्स यानी आउट ऑफ यानी दो जो है संख्याओं में से, इज कॉल बी कॉल द कंपेरिजन ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं में तुलना करना ही जो है, जो ये पता करना कि स्मॉलर और लार्जर यानी बड़ी और छोटी। तो इसमें जो दी गई संख्याओं में से बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना दी गई संख्याओं की तुलना कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यदि कंपेरिजन ऑफ नंबर्स आए तो हमें ये अपने माइंड में होना चाहिए कि दी गई संख्याओं में से बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना दी गई संख्याओं की तुलना कहलाता है। वी कैन कंपेयर मोर देन टू नंबर्स बट बाई वन और पेयर वाइज। वी यानी हम, कंपेयर यानी तुलना, मोर देन यानी अधिक संख्याओं की, टू नंबर्स यानी दो से अधिक संख्याओं की, बट लेकिन बाई वन और पेयर वाइज, वन बाई वन मीन्स एक के बाद एक, और पेयर वाइज यानी समूह या जोड़ी बार या समूह के द्वारा। तो हम दो से अधिक संख्याओं की तुलना कर सकते हैं लेकिन एक एक करके या समूह वाइज यानी जोड़ी बार जो है जोड़े के रूप में या समूह के रूप में कर सकते हैं। तो किस प्रकार कंपैरिजन करते हैं उसके बारे में बताया कि कंपैरिजन होता क्या है, कि जो बड़ी दी गई संख्या में बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना वो दी गई संख्याओं की तुलना कहलाता है, यानी बड़ी है या छोटी संख्या है। तो यदि अपने पास दो संख्या, दो से अधिक संख्या दे रखी है, उसमें कंपेयर करना है कि बड़ी कौन सी है, छोटी करना है, छोटी कौन सी है, तो यही जो है तुलना कहलाता है। तो वी कैन कंपेयर मोर देन टू नंबर्स यानी दो संख्या, हम दो से अधिक संख्याओं की तुलना कर सकते हैं लेकिन कैसे करना है, एक एक करके या समूह के द्वारा। सो स्टेप टू कंपेयर द नंबर्स, अब इसमें कुछ स्टेप दिए हुए, चरण दिए हुए, स्टेप मीन्स चरण, कंपेयर द नंबर यानी संख्याओं की तुलना के चरण, संख्याओं की तुलना के चरण दिए हुए हैं। तो क्या है चरण, किस प्रकार हमें जो है कंपेरिजन करना है नंबर्स का। लेट द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड बाई 56,893 एंड 56,798। तो इसमें जो है संख्याओं की तुलना करने के लिए जो चरण है इनकी संख्या जो हमें दे रखी है इसमें, के 56,893 और 56,798 बताई
गई है या बताई जाए। तो इसमें जो नंबर्स दिए हैं वो देखिए आप, दो नंबर है, एक तो 56,893 एंड सेकेंड वन है 56,798। ये टू नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए। अब किस प्रकार स्टेप वाइज हम इसकी जो है कंपेयर करते हैं, कंपेयर किस प्रकार करना है, तो स्टेप फर्स्ट है यानी चरण पहला, राइट द गिवन नंबर्स वन बिलो द अदर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन बिलो। तो इसमें जो है नीचे दी गई संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में एक के नीचे एक लिखें। तो इसमें आपको दिख रही है प्लेस वैल्यू टेबल दे रखी है, राइट यानी लिखिए गिवन यानी दी गई नंबर्स यानी संख्याएं, वन बिलो यानी एक के बाद, द अदर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट मीन्स स्थानीय मान, एज शोन बिलो यानी जो नीचे दर्शाई गई। तो नीचे दी गई संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में एक के नीचे एक लिखें। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, एज यू नो फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल कॉल वन, सेकेंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल टेन, थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल हंड्रेड, फोर्थ डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल थाउजेंड एंड फिफ्थ डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल 10,000। तो किस प्रकार हम प्लेस वैल्यू चार्ट स्थानीय मान सारणी में जो नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनका कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो कंपेरिजन हमें किस प्रकार करना है वो भी हमें ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, अपने को पहले तो डिजिट काउंट करनी है, ठीक टोटल कितने डिजिट्स की नंबर्स है। सो फर्स्ट देखिए नंबर 56,893 थे, तो इसको रिप्रेजेंट किया जो 10,000 डिजिट है, 5, 6 है 1,000 प्लस डिजिट है, 800 प्लस डिजिट है, 9 है 10 प्लस डिजिट है एंड 3 है जो 1 प्लस डिजिट है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 5,000 10,000 प्लस डिजिट है, नेक्स्ट 6 है जो है 1,000 प्लस डिजिट है, 700 प्लस डिजिट है एंड 9 10 प्लस डिजिट है एंड 8 जो है वो 1 प्लस डिजिट है। जो दोनों नंबर है 5 डिजिट्स के हैं, तो दोनों में जो डिजिट्स है वो इक्वल है, डिजिट्स है इक्वल है यानी अंक समान है। तो अंक समान है तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड से आप देखिए 1,000 10,000 प्लस डिजिट सेम है, इसमें इक्वल है एंड 1,000 प्लस डिजिट भी इक्वल है, लेकिन 100 प्लस डिजिट आप देखिए कि 8 जो है फर्स्ट में 8 आ रहा है, सेकंड में जो 100 प्लस डिजिट है 7 आ रहा है। एज यू नो 8 इज ग्रेटर देन 7, जैसा आप जानते हो 8 है वो 7 से बड़ा होता है। तो नेक्स्ट देखिए आप, इसमें स्टेप सेकंड में यही बताया गया है कि कंपेयर एवरी कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के जो प्रत्येक हर कॉलम की तुलना बाएं से दाएं करना है, बाएं से दाएं, तो बाएं से इधर से करना है, बाएं से दाएं की ओर चलना है। तो आप देख रही हैं 5 5 जो कंपेयर आया जो कंटिन्यू है ये, इसी प्रकार 6 6 आया 1,000 डिजिट एंड 100 प्लस डिजिट आया 8 एंड 7 एज यू नो 8 इज ग्रेटर देन 7। सो स्टॉप होना यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट है वो बड़ा आ गया अपने पास, तो 8 है वो 7 से बड़ा है, तो वहीं पे स्टॉप होना है, क्योंकि 10 प्लस डिजिट इक्वल आ गया एंड 1,000 प्लस डिजिट इक्वल आ गया, लेकिन 100 प्लस डिजिट है वो जो है इक्वल नहीं आया। इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं स्मॉल कौन सा है और जो है लार्जर कौन सा है, तो इसमें हमें पता चला 8 है वो 7 से बड़ा है, तो 8 इज ग्रेटर देन 7। सो स्टेप थर्ड, यू शुड स्टॉप एट द पॉइंट वेयर बोथ डिजिट आर नॉट इक्वल। सो यू शुड स्टॉप एट द पॉइंट वेयर बोथ डिजिट आर नॉट इक्वल, यानी कि हर जो आपको उस बिंदु पर रुकना चाहिए जहां दोनों अंक समान नहीं हो, नॉट इक्वल यानी दोनों अंक समान नहीं हो। द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर एंड अदर इज स्मॉलर, और अधिक अंक वाली संख्या बड़ी है और अन्य छोटी, यह हमें ध्यान रखना है। जिसमें अधिक अंक होंगे वो बड़ी होती है, जिसमें कम होते हैं वो छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं 56,893 इज ग्रेटर देन 56,798। तो हम इस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं, और यदि डिजिट जो है इक्वल नहीं हो तो हम डिजिट्स के अकॉर्डिंग भी, जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे वो बड़ी होगी और जिसमें कम डिजिट होगी वो छोटी होगी। नेक्स्ट है अवर नेक्स्ट जो है इसमें एग्जाम्पल आया हुआ है, तो एग्जाम्पल नेक्स्ट है, कंपेयर 2,36,892 एंड 2,36,988। एग्जाम्पल द्वारा इसे यानी उदाहरण के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया है, तो एग्जाम्पल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 एंड लैक। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो ड्रॉ की हुई है एग्जाम्पल फर्स्ट में, और आपको पता है फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल वन, सेकेंड डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल थाउजेंड
टेंस थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट साइड वी कॉल 100। तो हम इसमें अरेंज करेंगे और जो है कंपैरिजन है वो करेंगे लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की ओर चलते हैं जब कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, तो 1 प्लस डिजिट इज 2, 10 प्लस डिजिट इज 9, 100 प्लस डिजिट इज 8, एंड 6,000 प्लस डिजिट इज 6, 10,000 प्लस डिजिट इज 3, एंड 1,00,000 प्लस डिजिट इज 2। तो रिप्रेजेंट कर दिया। इसी प्रकार सेकंड नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दिए। तो हम इसमें कंपेरिजन देखिए, लेक्स प्लस डिजिट है वो सेम आ रहा है, 10,000 प्लस सेम आ रहा है, 1,000 प्लस डिजिट सेम आ रहा है, 100 प्लस डिजिट में आप देखिए 8 और 9, इसमें जो है जो ये इक्वल नहीं है। तो यहीं पे स्टॉप होना है, जहाँ पर इक्वल नहीं हो, समान नहीं हो, वहाँ पर हमें स्टॉप करना है। तो स्टॉप करना है इस पे, यहाँ पे 100 प्लस डिजिट पता ही, इसमें जो 8 और 9 में से ग्रेटर कौन सा है, तो हमें पता है 9 है वो बड़ा है, तो 9 बड़ा है तो सेकंड नंबर बड़ी होगी, संख्या सेकंड बड़ी होगी, सो 9 इज ग्रेटर देन 8। सो हम कह सकते हैं कि 2,36,988 इज ग्रेटर देन 2,36,000, 2,36,892। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें वही डिजिट का इसमें कंटिन्यू रखना है, स्टॉप कहाँ करना है, जहाँ अनइक्वल आ जाए। तो 2 है वो कंटिन्यू था, 3 कंटिन्यू था, 6 कंटिन्यू था, तो जो यहाँ पे 100 प्लस डिजिट था वो जो 8 है वो स्मॉल था किससे, 9 से। सो 8 इज स्मॉलर देन 9, यानी 8 9 से छोटे थे, तो यहाँ स्टॉप होना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 2,36,892 इज स्मॉलर देन 2,36,988। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या जो है वो जो छोटी है, फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से छोटे हैं। नेक्स्ट है अपना, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो कंप्लीट करना आपको NSW नोटबुक्स में, अपनी जो होमवर्क डायरी है NSW नोटबुक है उसमें ये NSW में करना है। और सेकंड एग्जाम्पल है वो सेकंड एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमें कंप्लीट अपनी NSW डायरी में नोट करना है NSW में। सो सेकंड एग्जाम्पल देखिए, शॉर्टकट मेथड, यानी संक्षिप्त रूप में हम इसे कैसे कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल सेकंड, उदाहरण दो, कंपेयर 86,877 एंड 86,672। आप यहीं पे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए 86 एंड 86, 8 एंड 6, तो 100 प्लस डिजिट इसमें 8 है, इसमें 6 है, तो एज यू नो 8 इज ग्रेटर देन 6, सो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जो हम स्टार्ट करते हैं यानी कि बाएं हाथ से शुरू करते हुए, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ से शुरू करते हुए, वी नोटिस दैट 2 डिजिट्स आर द सेम। तो हम देखते हैं कि बाएं हाथ से शुरू करते हैं तो हम देखते हैं 2 अंक समान है। देखिए आप 86 एंड 86, बाएं तरफ से शुरू किया 86, 86 2 डिजिट है वो समान है। सो वी एग्जामाइन द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम देखिए थर्ड डिजिट देखिए, तो थर्ड डिजिट है 100 प्लस डिजिट 8 एंड 6, तो इसमें 8 है इसमें 6 है, तो हम जो तीसरा अंक है जो थर्ड डिजिट है वो हम देखते हैं, तो इसलिए बाएं से तीसरे अंक की जांच करें। सो वी एग्जामिन द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट ऑन कंपेयरिंग द डिजिट्स एट द 100 प्लेस इन बोथ द नंबर्स। तो हम देखते हैं दोनों संख्या में सैकड़ों के स्थानों पर जो अंकों की तुलना है, तुलना करते हुए वी फाइंड दैट 8 इन 86,876 इज ग्रेटर देन 6 इन 86,672। तो हम ये तुलना करते हैं कि हम पाते हैं कि 86,000 यानी 86,876 में जो 8 है वो 86,672 के 6 से जो है बड़ा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 86,877 जो है वो 86,672 से बड़ा है। सो 86,877 इज ग्रेटर देन 86,672। तो ये शॉर्टकट विधि है, हम लेफ्ट टू राइट तक नंबर्स देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है वो बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो हमने जो आज है अपने NSW में जो वर्क दिया है वो हमें ध्यान में आना चाहिए।
तो हमने जो वर्क दिया है वो वापस देख लें। ये जो था अपने पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर जो वर्क था ये कंप्लीट पहले ही दे चुके थे हम। फर्स्ट नंबर लगा के या एक नंबर लगा के इसको सोल्व करना था। सेकंड जो था आपने इसमें जो ये टेबल्स है वो कंप्लीट करनी है, इसमें यहाँ तक है ये टेबल्स जो कंप्लीट करनी। उसके बाद हमने एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है वो आपको कंप्लीट करना है HW में। नेक्स्ट है जो अपने एग्जाम्पल सेकंड था वो हमें कंप्लीट करना है। अब अपने जो नेक्स्ट पॉइंट है, अवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म, हाउ मेनी नंबर, आप कितने नंबर बना सकते हैं, यानी संख्या ही बनाने का है। तो हाउ मेनी यानी कितने नंबर्स, यानी संख्या, कैन यू फॉर्म यानी बना सकते हैं, आप कितने नंबर बना सकते हैं। सो लेट्स वी हैव 3 डिजिट्स, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 अंक है जैसे 8, 3 एंड 5। यूजिंग दीज डिजिट्स वी वॉन्ट टू मेक डिफरेंट 3 डिजिट नंबर वाइल नॉन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड इन ए नंबर। तो इन अंकों का उपयोग करके हम अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनाना चाहते हैं जबकि अंकों में से कोई भी एक संख्या में दोहराया नहीं जाए, यानी रिपीटेड यानी दोहरा नहीं होना चाहिए संख्याओं में। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्म, तो हम देखते हैं कैसे संख्या बनाते हैं। अपने पास डिजिट है 8, 3 एंड 5 जो है डिजिट है लेकिन रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, दोहरान नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्म, लेट्स सी यानी आइए देखिए कि हम कैसे बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सो कीपिंग 8 एट द 100 प्लेस द नंबर्स फॉर्म आर 853 एंड 835, यानी जो नंबर्स है वो 8 है 100 प्लेस पे लेंगे तो 800 प्लेस पे ले लिए। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, 5 पहले लिखा और 3 बाद में, इसी तरह 800 प्लेस पे लिया, अब 3 पहले 5 बाद में, तो जो अपने पास 2 नंबर बना लिए ये भी 3 डिजिट नंबर हो गए, ये भी 3 डिजिट नंबर होंगे। तो इसमें रिपीटेड नहीं यानी कोई भी अंक 2 बार नहीं आया। नेक्स्ट है कीपिंग 3 एट द 100 प्लेस, अब हम पहले हमने 8 को सैकड़े के स्थान पे लिया, 100 प्लेस पे लिया था, अब हम 3 को ले रहे हैं तो 3 को देके इसमें लिया है, फिर 8 5 और फिर 3 लिखा, फिर 5 8, यानी जो नंबर्स हैं डिजिट्स हैं उनका क्रम चेंज करेंगे। इस प्रकार हम और भी नंबर्स बना सकते हैं। सो कीपिंग 5 एट द 100 प्लेस, अब हम 5 को 100 प्लेस पे लेंगे, यानी इनका जो है प्लेस है वो चेंज करते जाएंगे, और 8 3 और फिर 5 5 एंड 3 8, यानी जो डिजिट्स है वो चेंज करते हैं और नंबर्स बना सकते हैं। दस द नंबर सो फॉर्म आर, तो हमने देखा, देखिए 2 नंबर्स यहाँ बने, 2 नंबर्स यहाँ बने, 2 नंबर्स यहाँ बने, तो टोटल जो नंबर्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर, यानी 800 प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे, तो 800 प्लेस पे भी आ गया, 5 है वो भी 100 प्लेस पे आ गया, 3 भी आ गया, 1 जो 1 प्लेस पे भी आ गया, 10 पे भी आ गया और 100 पे भी आ गया। इस प्रकार जितने भी नंबर्स बनने बनते हैं उनको बनाना है। हेयर वी कैन आल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अब इसमें से हमें जो है संख्याएं जो बड़ी और संख्या है और छोटी संख्या है वो भी हम पा सकते हैं। तो निरीक्षण में हम देखते हैं बाय इन्फेक्शन वी फाइंड दैट, यानी कि जो निरीक्षण में हम पाते हैं, इन्फेक्शन मीन्स निरीक्षण, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 853, यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें 853 है, 853 है। द स्मॉलेस्ट नंबर इज 358 और जो सबसे छोटी संख्या है वो है 358। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर भी निकालना आना चाहिए। तो हमने जो इस पॉइंट में हमने जो सीखा है कि किस प्रकार नंबर्स बनाने हैं जो है, और किस प्रकार जो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर है वो राइट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे हम। तो आज का जो वर्क है, एक टेबल्स का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकेंड है, और जो है अगले जो वीडियो में हम अपना अगला जो पॉइंट है, अगला बिंदु है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उसके बारे में पढ़ेंगे।